नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्मी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनआईए ने नक्सली हमले में 23 के खिलाफ दायर की चार्जशीट। बीजापुर में 22 जवान हुए थे शहीद। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता खत्म, कहा आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। जेल से छूटा मशहूर किलर चार्ल्स शोभराज, दो अमेरिकियों की हत्या के लिए 19 साल रहा जेल में। अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि हमला बीजापुर के तर्रेम क्षेत्र के टेकल गुड़ियाम गाँव के पास 3 अप्रैल 2021 को हुआ था। इस हमले में 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद तर्रेम थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसी साल 5 जून को एनआईए ने केस दर्ज किया। इस दौरान जांच में पता चला कि आरोपी नक्सली ने आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रची। उसने सीपीआई माओवादियों के हथियारबंद साथियों के साथ सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और राज्य पुलिस के जवानों पर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अध्यक्षता समाप्त की। यूएनएससी में अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसे आतंकवाद जैसे मानवता के दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार समय की आवश्यकता है। यह विश्वास हमारे कार्यकाल के बाद ही मजबूत हुआ है। भारत की यूएनएससी की गैर स्थायी सदस्यता 21 दिसंबर को समाप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की राजनयिकों ने भी आखिरी सत्र को संबोधित किया। नेपाल की सेंट्रल जेल में 19 वर्षों से बंद सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज आज नेपाल की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती उम्र के मद्देनजर रिहा करने का आदेश दिया था, जिस पर चार्ल्स शोभराज की पत्नी निहिता विश्वास ने कहा कि वे इसी शाम चार्ल्स को फ्रांस में उसके परिवार के पास भेजने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद उसे कुछ दिक्कतें आई हैं और एक और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। गौरतलब है कि चार्ल्स शोभराज दर्जनों हत्याओं, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहा है और उसकी भारत, ग्रीस समेत दक्षिण एशियाई के कई देशों में अलग अलग मामलों में तलाश रही है। हालांकि अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के लिए 2003 में ही उसे नेपाल की जेल में बंद रखा गया था। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।